हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं आज की स्पेशल ट्रिक। इन दिस ट्रिक विल बी स्क्वेयरिंग नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60। चलिए पहले एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। स्टॉपवॉच शुरू कर देंगे एंड साथ में ही तीन एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टॉपवॉच स्टार्ट, हियर वी गो। सबसे पहले हम 7 और 7 इन दोनों के पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। नाउ मैं 7 का स्क्वायर निकाल के यहां लिख दूंगा, विच इज 49। फाइनली मैं 7 में 25 ऐड कर दूंगा, विच विल गिव मी 32। अब बचा कुछ भी नहीं, मैं 32 को यहां आगे लिख लूंगा एंड 3249 विल बी माय आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 52 मल्टीप्लाइड बाय 52। स्टेप सेम रहेंगे, पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइन। अब 2 एंड 2 विल गिव मी 04। दो डिजिट लिखना बहुत जरूरी है, डू पे अटेंशन टू दैट। नाउ 2 प्लस 25 will give me 27 and 27 को हम लिख देंगे यहां पे। So 2704 is my answer. Let's move on to the third question. Third question says 55 into 55. अब आप squaring of numbers ending with 5 सीख चुके हैं, वो ट्रिक भी लगा सकते हैं और ये ट्रिक भी लगा सकते हैं आप। First हम draw करेंगे line before the 5. Now 5 square will give me 25. अब 5 plus 25 will give me 30. अब करेंगे कुछ नहीं, 30 को लिख देंगे यहां। सो 3025 विल बी माय आंसर। स्टॉप वॉच बंद, कितना समय लग गया? 78 सेकेंड्स। तो 78 सेकेंड्स में तीन सवाल हमने सॉल्व कर लिए, विच मींस 26 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से बहुत ही तेज है, राइट? चलिए, नाउ टेक दीज क्वेश्चंस एज योर होमवर्क। चलिए, दैट वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज कैप्सूल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट कैप्सूल विथ वन मोर अमेजिंग ट्रिक। But until then, work smart.